हाय, मेरा नाम आदित्य है और इस वीडियो में सर्वर 2008 के एक नए रोल के बारे में जानेंगे। सो रोल क्या है, इसके लिए मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में आपको लेकर चलता हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे RRAS, रिमोट इन राउटिंग एक्सेस सर्विसेज। एक्चुअली सर्वर 2008 में ये जो रोल है हमारा, वो कई फंक्शंस के लिए, कई कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके बारे में पहले हम स्टेप से देखते हैं, और इस वीडियो में RARS इंस्टॉलेशन कैसे होता है और उनकी वर्किंग क्या होती है, उनके फंक्शंस क्या हैं ये जानेंगे। और आने वाली वीडियो में हम हर एक फंक्शन के बारे में डीप में हम जानेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर हम कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो प्रैक्टिकल हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस वजह से हम पहले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो पहली चीज़ हमारी है डिमांड डायल। डिमांड डायल क्या होता है? द कनेक्शन बिटवीन द टू सर्वर कैन बी प्रसिस्टेंस ऑलवेज ऑन और ऑन डिमांड, इसी वजह से इसको डिमांड डायल भी कहते हैं। यूजिंग PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स इन ISDN कनेक्शन बोथ साइड। और चूंकि ISDN कनेक्शन होगा तो ISDN एडाप्टर या ISDN मॉडेम की रिक्वायरमेंट होगी। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं इस इमेज पे लेकर चलता हूँ। हम मान के चलते हैं सर्वर 1 और सर्वर 2 एक दूसरे कंडीशन में। आप मान के चलते हो ये हमारा हेड ऑफिस है और ये हमारा ब्रांच ऑफिस है, हम मान के चलते हैं। तो हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस से कनेक्ट होने के लिए या तो अपनी एक डेडिकेटेड लाइन बिछवाएं, क्योंकि अब एक काफ़ी डिस्टेंस पे उनका ब्रांच ऑफिस हम मान के चलते हैं होगा या हेड ऑफिस होगा। तो एग्जिस्टिंग ISP से हेल्प लेते हुए एग्जिस्टिंग लाइन को यूज़ करेंगे, और उस केस में वो ISDN का हम मान के चलते हैं कि कनेक्शन लेंगे। बोथ साइड ISDN का कनेक्शन लिया गया है और यहाँ पे हमने सर्वर को यूज़ किया एज ए RARS। सो ये सर्वर इस सर्वर से कनेक्ट होगा। अब ये सर्वर जो भी डेटा भेजना चाहता है इस सर्वर में, वो आसानी से भेज देगा। जो भी उसके सपोज दैट मान के चलते हैं डोमेन है, हमारी साइट्स हैं, या जो भी कनेक्शन हमें करना होगा, डेटा एक्सचेंज करनी होगी, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा डिमांड डायल। जबकि दूसरी चीज़ है हमारी डायलअप। अब ये डायलअप क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। एक चीज़ हमें डिमांड डायल्स में हमें ध्यान रखना है कि हमें पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हुए ISDN कनेक्शंस पे एक ISP के बोथ साइड हमें, यानी कि ISDN मॉडेम चाहिए हमारे दोनों सर्वर पे, हमारे लोकल सर्वर पे और हमारे रिमोट सर्वर पे भी। दूसरी चीज़ है हमारा डायलअप। ये डायलअप क्या होता है? यूजिंग डेडिकेटेड लाइन इन अ मॉडेम टू कनेक्ट अ रिमोट सर्वर। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं अपने एक इमेजेस पे दिखाता हूँ आपको। एक्चुअली डायलअप की जैसे ही बात कही जाती है तो ये स्पेशली मॉडेम में चलता था। मॉडेम में इसलिए चलता था कि मॉडेम एक्चुअली दो वर्ड से मिलके बना है, अगर हम देखें तो इसकी टेक्निकली। एक तो कहलाता है मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन सॉरी, और दूसरा कहलाता हमारा डीमोड्यूलेशन। डीमोड्यूलेशन, और इसी का एक अब्रिविएट, एक छोटा सा नाम है मॉडेम। तो मो डैम ये यूज किया जाता था। एक्चुअली मॉड्यूलेशन का अर्थ होता था कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। ये दो प्रोसेस होती थी। जो पहले हमारी फ़ोन लाइनें बिछी थी वो एनालॉग्स थी, और चूंकि जब हम रिमोट सर्वर पे या रिमोट लोकेशन से हमें कनेक्ट होना होता था तब हमें मॉडेम की रिक्वायरमेंट होती थी। मॉडेम का काम क्या होता था कि चूंकि कंप्यूटर तो हमारी डिजिटल समझता है, डिजिटल सिग्नल्स को समझता है, जबकि हमारे मॉडेम्स और फोन्स हमारे एनालॉग सिग्नल्स को समझते हैं। ये एक सिंबल से आप कंसिडर कर सकते हो, ये एनालॉग सिग्नल्स हमारे पास। तो हम मान के चलते हैं ये कोई कंपनी है, इस कंपनी से कोई क्लाइंट्स, कोई रिमोट यूज़र है। तो रिमोट यूज़र आप चाहे वो डेडिकेटेड कनेक्शन, ये हमारे ऑफिस ISP को न यूज़ करते हुए ऑफिस से एक सीधा डेडिकेटेड कनेक्शन बिछाई जा सकती है। अगर ये ISP को यूज़ कर रहा है तो रिमोट यूज़र हम मान के चलते हैं, या ब्रांच ऑफिस में है, एक दूसरी जगह है, तो वो मॉडेम्स को यूज़ करते हुए डायलअप कनेक्शन बनाएगा। तो डायलअप कनेक्शन बनाने के लिए इन चीज़ों की हमें नीड होती है, और यहाँ पे एक डेडिकेटेड लाइन होता है। जब बात की जाती है डेडिकेटेड लाइन की, तो हमें समझना होगा डेडिकेटेड लाइन इन द सेंस कि ये पब्लिक में रहते हुए, पब्लिक केबल रहते हुए एक इनकी ओन लाइन है, ये पब्लिक से सेपरेट है।
डेडिकेटेड की जैसे ही बात करें तो ये पब्लिक से सेपरेट है तो आईएसपी का ही कनेक्शन, बट ये पब्लिक से पूरी तरह सिक्योर है। और इसी तरह हो सकता है कि उनका एक लोकल यूज़र हो सकता है रिमोट यूज़र हो, तो वो मॉडम्स को, सॉरी यहाँ पे मॉडम हमारा रहेगा, मॉडम्स को यूज़ करते हुए डायलअप कनेक्शन बना सकता है और कनेक्ट हो सकता है उसी से। ओके, और दूसरी चीज़ हमारी है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन एक वाइड एरिया नेटवर्क से, अपने लोकल प्राइवेट एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होने का एक बढ़िया तरीका है, एक वे है, एक मेथड है हम कह सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक्चुअली एक टनलिंग यूज़ करता है। टनलिंग में कुछ प्रोटोकॉल्स, इसे प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है। पहले हम दिखाते हैं ये होता क्या है हमारा वीपीएन। अगर इस इमेज से हम कंसीडर करें कि ये हमारा कोई ऑफिस है और ये हमारे कोई रिमोट लोकेशंस की ऑफिस है, या कोई यूज़र है, हो सकता है एक और यूज़र हो, और हमारा यूज़र कोई हमारी कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हमारे एम्प्लॉय को जाना होता है प्रोडक्टिविटी की वजह से या किसी वजह से, तो उस केस में हमें नीड पड़ती है कि एक यूज़र हमारा रिमोट लोकेशन पे वॉक करने जाता है, उसे अपने कंपनी से जुड़ना पड़ता है। तो इस केस में हम वीपीएन का कनेक्शन बना सकते हैं, या दो सर्वर को जोड़ने के लिए हम वीपीएन का कनेक्शन बना सकते हैं। वीपीएन कनेक्शन में कुछ स्पेशल नहीं होता, आप वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होते हो और सिक्योरली कनेक्ट होते हो। सिक्योरली कनेक्ट होने का इन द सेंस कि यहाँ पे टनलिंग प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, जिसे हम वर्चुअल टनल्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक वर्चुअल टनल्स बने हैं हमारे, ये वर्चुअल टनल्स हमारे पब्लिक नेटवर्क में होते हुए भी एज ए प्राइवेट नेटवर्क जैसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये टनलिंग कुछ स्पेशल्स नहीं होते हैं, ये टनलिंग्स में कुछ प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, जैसे PPTP, L2TP, SSTP, और इसी प्रोटोकॉल्स के बदौलत हमारी एक टनलिंग यहाँ पे होती है, और इसी टनलिंग से हमारा डेटा सिक्योरली सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसफर होता है। ये हमारा कहलाता है वीपीएन। वीपीएन स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके लिए आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, या एक कनेक्शन होना चाहिए फिजिकल कनेक्शन, और उसके बाद एक लॉजिकल कनेक्शन हमारे कंपनी से बन जाता है, जिसमें सिर्फ हमारे कंपनी का ही डेटा फ्लो होता है। इससे सिक्योरिटी हमको मिलती है एक बहुत ही अच्छे से। और इसके साथ अगर हम राउटिंग की बात करें, तो राउटिंग एक बहुत ही बड़ी टॉपिक है और इतने छोटे में ये ख़त्म नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक राउटिंग के बारे में बताएंगे आगे की कुछ वीडियो में। जब हम CCNA और ICND1, ICND2 की वीडियो देखेंगे तब जानेंगे। हालांकि बेसिकली अगर यहाँ पर राउटिंग की बात करें, तो राउटिंग एक मेथड होता है हमारे पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए। और राउटिंग के लिए स्पेशल हमें एक राउटर, फिजिकल राउटर की, एक हार्डवेयर राउटर्स की नीड होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम विंडोज सर्वर की बात करें, तो एक सर्वर को आप एक ऐसा बना सकते हो कि ऐसे एज ए वो राउटर वर्क करे। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अराइज होती है, एज ए राउटर वर्क करे तो कैसे सीरियल्स इंटरफेस को या अदर इंटरफेस से वो कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कार्ड आते हैं जो आप अपने PCI स्लॉट्स में लगा सकते हो, और वो जो एज ए राउटर इंटरफेस की कनेक्टिविटी दिला सकते हो, जैसे सीरियल्स केबल्स को यूज़ करते हुए सीरियल कनेक्शन आया ISP से। बेसिकली राउटिंग की बात करते हैं, तो मान के चलो ये एक वाइड एरिया नेटवर्क्स में ये परफॉर्म होता है राउटिंग। कोई सोर्स कंप्यूटर है और कोई डेस्टिनेशन कंप्यूटर है, जिनका S और R हमने नाम रखा है। सोर्स कंप्यूटर जब भी कोई डेटा भेजता है डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास, तो राउटर डिसीजन लेते हैं कि कौन सा पाथ सबसे बढ़िया है डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। पाथ ये बढ़िया है, पाथ ये बढ़िया है, या पाथ, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सेवरल्स पाथ हैं। अगर हम इनको इंटरमीडिएटली लिंक करते हैं तो हमारे पास और भी पाथ मिल जाएंगे। एक पाथ तो हमारा यहाँ 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 से होकर जा रहा है डेटा, दूसरा पाथ हमारा डायरेक्टली जा रहा है, तीसरा ये पाथ है, ऐसे हमारे मल्टीपल्स पाथ होते हैं। तो राउटर स्पेशली क्या करता है, इन पाथ का सिलेक्शन करता है कि हमारे पास मल्टीपल पाथ पड़े होते हैं, किस पाथ से हमें डेस्टिनेशन पे डेटा को फॉरवर्ड करना है, और यही प्रोसेस कहलाती है हमारी राउटिंग। और राउटिंग वैसे तो तीन प्रकार की होती है हमारी, स्टैटिक, डायनेमिक और डिफॉल्ट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग की बारे में जानेंगे। स्टैटिक राउटिंग में क्या किया जाता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर अपने राउटर्स पे कॉन्फ़िगर करता है कि जो हमारे पैकेट्स जाएंगे वो इस रूट को फॉलो करते हुए जाएंगे, या इस रूट को फॉलो करते हुए जाएंगे। जिससे एक ड्रॉबैक होती है कि अगर ये रूट हमारा फेल हो जाता है, अगर हमने सिर्फ यहां से राउटिंग की है, तो हम
डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये स्टैटिक राउटिंग कहलाती है। स्टैटिक राउटिंग में एक यूज़र उसको असाइन करता है राउटर पे, तो हमारा सर्वर 2008 एज ए राउटर वर्क कर सकता है यहाँ पे। जबकि दूसरी हमारी कहलाती है डायनेमिक। यहाँ पे हम बेसिक चीज़ें जान रहे हैं, चूँकि ये एक सर्वर का पार्ट नहीं है पूरी तरह से, आप कह सकते हो। रिप, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स, ये हमारी एक डायनेमिक राउटिंग कहलाती है। सभी राउटर्स एक प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, हम मान के चलते हैं यहाँ पे जो हमारे राउटर्स कनेक्टेड हैं। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स, ये राउटर इस राउटर को अपनी इन्फॉर्मेशन भेजता है, ये राउटर ये राउटर ये राउटर, यानी अब ये राउटर इस राउटर के बारे में जानता है, इस राउटर के बारे में जानता है। जब ये सोर्स पैकेट भेजता है तो राउटर डिसीजन लेता है कि हमारे पास मल्टीपल पाथ हैं। हो सकता है कि अभी अभी ये पाथ हमारा डाउन हो गया हो, ये पाथ हमारे लिए अच्छा है, या ये पाथ हमारा बिजी है, ये पाथ फ्री है और फास्ट है और रिलायबल है। तो उसके अकॉर्डिंग ये सिलेक्शन करते हुए डायनेमिक राउटिंग की जाती है। तो यहाँ पे हम रिप के बारे में जानेंगे, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स, कैसे एक राउटर सर्वर 2008 एज ए राउटर वर्क करता है, उसको हम डायनेमिक या स्टैटिक दोनों प्रकार की राउटिंग के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ हम नेट के बारे में बात करें तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, बेसिकली अगर हम नेट की बात करें तो कन्वर्ट प्राइवेट एड्रेस टू पब्लिक एड्रेस यूजिंग द सिंगल और पूल ऑफ आईपी एड्रेसेस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द आईएसपी। कहने का मतलब क्या होता है कि जो आज जब हम हमारे एडीएसएल डीएसएल मॉडेम्स हैं वो वर्क कैसे करते हैं, कभी आप कंसिडर करो। तो चूंकि जो भी हमारे कंप्यूटर हैं उनको एक वैलिड आईपी एड्रेस की नीड होती है ताकि वो बात कर पाए नेटवर्क्स में, और आईपी एड्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक बड़े ही हायरार्की वे में है। एक हायरार्की वे की बात हम करें तो आईसीएनएन के बाद हमारा इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी आईना, और आईना के बाद कुछ लोकल रीजन्स के पास आती हैं। जैसे हम एशिया के लिए बात करें एपनिक, वैसे हमारी एरिन अमेरिका के लिए, उसके बाद हमारे आईएसपी, और आईएसपी के बाद हम कस्टमर को मिलती है। एक कंप्यूटर पे हम मान के चलते हैं एक कंप्यूटर पे एक आईपी असाइन करेंगे, पब्लिक आईपी जो हमारे एक हायरार्की वे में है डिजाइन किया गया है, तो काफी डिफिकल्ट काफी एक्सपेंसिव होता है। जो हमारा एक डीएसएल राउटर होता है जिसको आप मॉडेम कहते हो, उसके पास एक पब्लिक और एक प्राइवेट एड्रेस होता है। जैसे कि अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो हम पाएंगे क्या कि एक पब्लिक एड्रेस है, आईपी है हमारा 20.0.0.1, और ये हमारी प्राइवेट आईपी एड्रेस है 192.168.x.x। चूंकि ये आईपी एड्रेस हमारा वाइड एरिया नेटवर्क में राउटेबल नहीं है, तो हमारा यहाँ पे उपस्थित एक मॉडम एक राउटर, जो यहाँ पे हम राउटर के बारे में जानेंगे चूंकि हम सर्वर को एज ए राउटर वर्क करा रहे हैं, वो प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है और एक अपने पास एक टेबल रखता है। सपोज दैट ये कोई डेस्टिनेशन सर्वर है तो यहाँ से पैकेट्स आएंगी और फिर उसी पर्टिकुलर कंप्यूटर्स के पास फॉरवर्ड की जाएंगी। दिस इज कॉल्ड नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, एक बेसिक आइडिया नेट का। और नेट के लिए आपको आईएसपी, कुछ आईपी एड्रेस आप आईएसपी से परचेस करते हो, या पूल ऑफ आईपी होती है जो वाइड एरिया नेटवर्क में कनेक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम एक नेट सर्वर बनाएंगे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, साथ ही साथ दूसरी चीज के बारे में अगर हम देखें तो डीएससीपी रिले एजेंट। डीएससीपी रिले एजेंट कुछ स्पेशल नहीं होता, हमारे राउटर का एक फंक्शन होता है कि वो एज ए ब्रॉडकास्ट मैसेज को फॉरवर्ड करे ताकि एक दूसरे सबनेट्स में नेटवर्क्स में स्टेब्लिश कंप्यूटर टीसीपी आईपी की सेटिंग यानी आईपी सेटिंग्स पा सके। दिस फीचर सेम टू बूट पी राउटर। बूट पी राउटर में एक फीचर है, यानी कि अगर हम फिजिकल राउटर की बात करते हैं यहाँ पे तो उसमें भी ऐसे फीचर है, अलाउ क्लाइंट टू गेट टीसीपी आईपी सेटिंग फ्रॉम द वन नेटवर्क टू वन नेटवर्क्स फ्रॉम अदर नेटवर्क डीएससीपी सर्वर। कहने का मतलब ये है जब हम बात करते हैं डीएससीपी रिले एजेंट की, तो इस इमेज में अगर हम देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा सर्वर 2008 आरएआरएस की सर्विस यहाँ पे हमारी चल रही है, और आरएआरएस सर्विस के थ्रू ये डीएससीपी रिले एजेंट है। ये हमारा हम मान के चलते हैं एक लोकल डीएससीपी सर्वर है, और जब डीएससीपी सर्वर ऑन होता है तो
लोकल मशीनों को TCP/IP की सेटिंग, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे वगैरह वगैरह प्रोवाइड करता है। इन केस आप अगर ये सर्वर हमारा फेल हो गया तो हमारा राउटर, चूंकि जैसे ही कंप्यूटर्स हमारे चालू होते हैं, जैसे हमारा नेटवर्क इंटरफेस एक्टिव होता है, तैसे ही वो ब्रॉडकास्ट मैसेज फॉरवर्ड करता है पूरे नेटवर्क्स में कि कोई अगर सर्वर है जो हमको TCP/IP की सेटिंग दे सके तो ज़रूर दे। उस प्रोसेस को डोरा कहते हैं। वो पिछले वीडियो में हमने जाना DHCP के बारे में। जबकि राउटर क्या करता है कि वो ब्रॉडकास्ट पैकेट्स को डिस्कार्ड कर देता है, उसे जाने नहीं देता है, फॉरवर्ड नहीं करता है। तो इस केस में ये, यहाँ अगर इस नेटवर्क में देखें तो यहाँ पे एक और DHCP सर्वर है, जो जब DHCP सर्वर के लिए जब हम DHCP रिले एजेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो ब्रॉडकास्ट मैसेज को फॉरवर्ड करता है, यानी कि अब ये DHCP सर्वर इस कंप्यूटर को IP प्रोवाइड कर सकता है। ये DHCP अब इसके लिए एक्सेप्शंस कर देता है राउटर कि अब हम एज ए DHCP रिले एजेंट वर्क कर रहे हैं, तो DHCP की सर्विसेज या DHCP की पोर्ट्स को हम अनब्लॉक करते हैं। आई थिंक 67 है पोर्ट नंबर DHCP का, जो हमारे लोकल्स क्लाइंट्स TCP/IP की सेटिंग पाएंगे। ये हमारा कहलाता है DHCP रिले एजेंट। DHCP रिले एजेंट में एक हमारा राउटर होता है, वो काम करता है DHCP रिले एजेंट, ताकि एक नेटवर्क्स के क्लाइंट दूसरे नेटवर्क के सर्वर से, DHCP सर्वर से TCP/IP की सेटिंग प्राप्त कर लें। जबकि लास्ट RADIUS क्या होता है, रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विसेज फॉर सिक्योरिंग वायरलेस नेटवर्क, अ सर्वर टू ऑथेंटिकेट द वायरलेस नेटवर्क यूजर देन दैट नोन एज और RADIUS सर्वर। RADIUS सर्वर में एक सर्वर को हम ऐसे कॉन्फ़िगर करते हैं जो एक RADIUS सर्वर का काम करता है। RADIUS सर्वर वायरलेस सिक्योरिटी के लिए अप्लाई किया जाता है, जो हमारे ऑथेंटिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये हमारा RADIUS सर्वर है और हमारा एक लैपटॉप यूजर आया हमारे कंपनी में और वो कनेक्ट होगा तो वायरलेस के थ्रू, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एक RADIUS सर्वर पे जाती है। ओके ये ढेर सारी थ्योरी हो गई। अब हम उस प्रैक्टिकल्स करने के लिए हम आपको वर्चुअल मशीन पे लेकर चलते हैं और वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं ये सर्वर को। सर्वर को मैं चालू करता हूँ अपने। जैसे हमारा सर्वर चालू हो जाता है तो हम उस रोल को इंस्टॉल करेंगे। उसके पहले एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दूँ कि हमने क्या क्या जाना। RRAS फंक्शन के बारे में जाना, यहाँ पे RRAS के कई फंक्शंस हैं। डिमांड डायलअप, दो कंपनी आपस में कनेक्ट होना चाहती हैं तो ISDN कनेक्शंस को पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए कनेक्ट हो सकती हैं। डायलअप एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है, या कंपनी से किसी क्लाइंट्स के पास, या दो कंपनियों के बीच में आपस में कनेक्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है, यानी कि पब्लिक्स नेटवर्क से अलग होता है, सेपरेट होता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज अ मैकेनिज्म और अ टाइप ऑफ नेटवर्क दैट कनेक्ट रिमोट लोकेशन और रिमोट ऑफिसेस सो दैट दे कैन एक्सचेंज डेटा सिक्योरली यूजिंग द VPN, मीन्स पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, L2TP एंड SSTP। जबकि राउटिंग इज अ मेथड टू फॉरवर्ड पैकेट सोर्स टू डेस्टिनेशन। राउटिंग में भी थ्री टाइप्स के हमारे राउटिंग्स होते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक और डिफॉल्ट। तो यहाँ पे हम राउटर का वर्क एज ए स्टैटिक एंड डायनेमिक वर्क करते हुए देखेंगे, वर्क कराएंगे। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन लोकल आईपी को, यानी प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी एड्रेस से, एक आईपी एड्रेस से यूज करते हुए हमारे कई क्लाइंट्स को इंटरनेट चलाने की अनुमति देता है ताकि वो नेट एक्सेस कर पाए। DHCP रिले एजेंट्स दो डिफरेंट नेटवर्क्स के सर्वर थ्रू राउटर वो अपने डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं ताकि क्लाइंट्स TCP/IP की सेटिंग कन्फिगर कर लें। जबकि वायरलेस सिक्योरिटी के लिए हम RADIUS सर्वर के या सर्विस की यूज करते हैं। और ये मशीन हमारा चालू हो गया है, वर्चुअल मशीन। मैं अपने मशीन में लॉगिन होता हूँ और अच्छे से समझाने के लिए इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ मैं। और कैसे उस सर्विस को, उस रोल्स को इंस्टॉल करते हैं ये देखते हैं। तो इसके पहले मैं अपनी एक स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ अपने सर्वर के पास, ताकि बाद में कोई एरर ना आए। क्योंकि ज़्यादातर रोल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके लिए स्टैटिक आईपी की नीड होती है। मशीन पे हमने राइट क्लिक किया, सॉरी नेटवर्क एडाप्टर पे, और आईपी एड्रेस की सेटिंग्स हम यहाँ पे कर देते हैं। मैं जस्ट प्रैक्टिकल के लिए 10 की आईपी लेकर चलता हूँ
और आपके पास कई ऑप्शन होते हैं एक रोल इंस्टॉल करने के लिए। आप विंडोज़ के साथ वन प्रेस करते हो तो ये विजेट खुलता है, विंडोज़ के साथ टू प्रेस करोगे तो ये, या मिनिमाइज जितने भी एप्लीकेशन होते हैं आप विंडोज़ की को शॉर्टकट्स यूज़ करते हुए खोल सकते हो, एक तो तरीका आपके पास ये है, या आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके खोल सकते हो, दूसरा तरीका ये है, जबकि तीसरा तरीका आपके पास विंडोज़ के साथ आर प्रेस करने के साथ OOBE भी लिख सकते हो आप, जिसका मतलब होता है आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस। इस विजेट से भी आप किसी रोल को इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो मैं रोल्स को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज के अंतर्गत हमारे आते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें हैं फिलहाल, तो हम RARS के बारे में बात करेंगे। जब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो देखिए नेटवर्क पॉलिसी और अदर चीज़ें भी हमारे पास अवेलेबल हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं रिमोट एंड राउटिंग एक्सेस सर्विसेज को लेता हूँ और नेक्स्ट प्रेस करता हूँ और इंस्टॉल। सो नेक्स्ट नेक्स्ट करने से हमारा ये रोल हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। इस वीडियो में हमने जाना कॉन्सेप्ट क्या है एक RARS के बारे में। अगली अगले वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इनको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, VPN, नेट और राउटिंग को जानेंगे। और साथ ही साथ एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप ज़रूर हमको मेल करके बताएं। और कोई चूंकि गलती हो, कोई प्रॉब्लम्स हो उसमें, बीइंग ह्यूमन इट्स हैपन, तो उसके बारे में भी हमको इन्फॉर्म करें। मेरा ईमेल आईडी है aditya.kr.gaur@gmail.com, या आप फेसबुक पे फाइंड कर सकते हो आदित्य गौर। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।